हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आस्था और आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं कढ़ी बनाती हूँ, बट मुझे ना वो गांव वाली लस्सी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो जो कढ़ी मैं बनाने की सोच रही हूँ वो गांव वाली जो लस्सी आती है ना उसी से ही बहुत अच्छी बनती है। नॉर्मली जो हम मार्केट से लाते हैं तो उसका इतना अच्छा नहीं टेस्ट आता जो उस लस्सी का आता है, बिकॉज़ वो थोड़ी सी खट्टी भी होती है और थोड़ी थिक भी होती है, तो हम पानी डाल के उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं बेसन की कढ़ी, बट आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की कढ़ी। सो कम लेट्स मेक इट टुगेदर। ये मैंने लिया है मूंग दाल, जिसको मैंने सुबह भिगो कर रख दिया था। मतलब 2-3 घंटे के लिए आप इसको भिगो कर रखो, दैट इज़ इनफ। फिर हम इसको मिक्सी में डालेंगे और मिक्सी में हम इसको पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा पीसना है। फिर हम इसके अंदर हल्का सा नमक डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। ये मैंने थोड़े से बैटर अलग निकाले जिसके हम पकौड़े बनाएंगे, और हमें इसको बीट करना है एकदम सेम डायरेक्शन में। और ये पहले ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया है, और इसको हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है, हमें उल्टा नहीं घुमाना, नहीं तो हमारे पकोड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। इट्स लाइक भल्ले। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाने के बाद हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर रिफाइंड डालेंगे सब। फिर उसके अंदर डालेंगे गार्लिक कद्दूकस करके, देन उसमें हम डालेंगे हींग, फिर जीरा, और यहाँ पे मैंने लिया है सूखा धनिया जो कि थोड़ा मतलब फ्लेक्स की तरह पीसा हुआ है, और ये यहाँ पे मैंने डाली इसके अंदर हल्दी। इसके बाद जो हमारा दाल वाला बैटर था मैंने उसको अलग रखा था, उसके अंदर मैंने डाली लस्सी, 1 लीटर लस्सी थी, तो मैंने उसके अंदर 3 बिग स्पून दाल वाला बैटर डाला। फिर हमने उसको अच्छे से मिक्स करके अपने मसाले में डाल दिया, उसके अंदर नमक मिसाला, और गाइस ये मेरे साथ हादसा हो गया। मैंने साथ ही में राइस बनने रखे थे और कुकर की विसल उड़ गई और सारा का सारा पानी फैल गया था। फिर अब मैंने ये जो पकौड़े थे इसके अंदर डाल दिए, और फिर मैंने तैयार किया था ये ऊपर से लगाने वाला तड़का, जिसमें मैंने डाला रिफाइंड, थोड़ी सी देगी मिर्च, कड़ी पत्ता और मेथी दाना। और गाइस मेरे से जल इसलिए गया क्योंकि ये बहुत छींटे उड़ने लग गई थी और मैं पीछे हो गई थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।